ये हमारे महान गांव का इंटरनेशनल होटल, यहाँ बाघ कभी विजिट नहीं करता, इसीलिए इंसान यहाँ खाना खाते हैं। ए, चल भाग यहाँ से, फिर आ गया फोकट का खाने। आप लोग डरिएगा मत। रामू काका, तीन चाय, एक मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग। अरे शशि, ये लोग कौन है? मेरे दोस्त हैं, शहर से आए मिलने। अच्छा। रामकली, एक एडवाइस देना था, अगर तुम्हारा तुम्हारे पति से झगड़ा हो गया हो तो मतलब मेरे साथ तुम आके टेस्ट बदल सकती हो। छोरा कहीं का। आई जस्ट हेट्स इंडियंस। पता नहीं कैसे कैसे लोग हुए हैं गांव में। क्यों भाई शशि, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन गांव की सारी औरतें मिलकर तुझे पीट दें। इस मुए ने तो गांव की औरतों का नहाना तक मुश्किल कर रखा है, लाल शरम बेच खाया। इग्नोर। ये मुखिया जी गांव वालों के साथ यहाँ पे क्यों चले आ रहे हैं? क्या हुआ मुखिया जी, यहाँ कैसे? कल रात हमारी झोपड़ियों के पास बाघ आया था, फिर तीनू की लड़की चमेली को उठा ले गया। हमें महेश्वर से मिलना है। मिस्टर मुखिया जी, महेश्वर ये काम क्यों करेगा? जिसे ये काम करना चाहिए वो इंसान आराम से अंदर बैठकर फोकट का खाना खा रहा है। सरकार के ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ऑर्डर मिलने पे तो बाहुबली का घोड़ा लेके दौड़ेंगे। मैं अकेले करूँ भी तो क्या शशि, जब तुम बंदूक से कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या सिर्फ एक लाठी लेकर जंगल में चला जाऊँ? तीन तीन बेटियां हैं मेरी और 6 महीने में रिटायर भी हो जाऊंगा। खुदकुशी नहीं करनी है मुझे, और सब जानते हैं कि ऐसे मामले में हम फॉरेस्ट वालों से ज्यादा अनुभव महेश्वर को है। अगर बाघ को फंसाना है तो महेश्वर के बिना नहीं हो सकता। हे भगवान, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, हमें इस आदमखोर से छुटकारा दिलवाओ। भगवान क्या करेंगे, ये तो सरकार का काम है। सरकार क्या करती है, हमें बचाएगा तो सिर्फ महेश्वर, वही कुछ करेगा। इससे पहले भी उसी ने हमें बाघ से छुटकारा दिलाया था। नरभक्षी बाघों से और कोई छुटकारा नहीं दिला सकता सिवाय महेश्वर के। कौन है ये महेश्वर? जानना चाहते हो महेश्वर कौन है? हाँ। वो एक जंगली सेलिब्रिटी है। तुम लोग जिस बलराम से मिलने आए हो ना, ये उसी का नेफ्यू है, यानी कि भांजा। अगर बाघ भटक कर गांव में चला आए तो समझो ये उसका शिकार है। ये है बलराम का कारखाना, ये चारों बच्चे उसी के हैं, एक अभी प्रेजेंट नहीं है। बड़ा ही फलता फूलता परिवार है। बेटा तुम्हारे डैड कहाँ है? दारू के ठेके पर होंगे, ढूंढो ना जाके। यहाँ से चलते हैं, बड़े होनहार बच्चे हैं ये। बलराम की जो सास है ना भवानी अम्मा, उसका यह कारखाना है। वो क्या था, इस कारखाने से बलराम सामान उधार में लेता था, फिर उधार इतना बढ़ गया कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी बलराम से करवा दी, फिर दहेज का पैसा उधार में एडजस्ट हो गया। भवानी अम्मा, अब देखना मेरा रिस्पेक्ट। भवानी अम्मा, अरे हट। भवानी अम्मा गई तेरी नानी के पास। अम्मा आपका सन इन लॉ कहाँ है? होगा कारखाने पर। वहाँ तो सिर्फ आपकी नातियों की टीम है। वो ना है वहाँ पर? नॉट एट ऑल। हाय हाय, तो मुआ घर पे होगा, सत्यानाश, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे हट हट हट, अरे पास कब थे क्या, तो छटा भी आ जाएगा। ये ऐसे चिल्लाती हुई क्यों भागी? कहा था ना कि इनका परिवार फलता फूलता परिवार है, मुर्गी जैसे अंडे देती है वैसे ही बच्चे पैदा किए हैं इन्होंने। अरे गीता, तेरी मती मारी गई है क्यारी, दरवाजा खोल जल्दी, मैं जानती हूँ वही घुसा है अंदर। इतना शाउटिंग से कोई आउटिंग नहीं आएगा। हाँ। मैं चुपके से जाकर देखता हूँ अंदर क्या होगा, लाइव कमेंट्री करता हूँ। पीछे विंडो में खोल है माँ। अरे चुप, मर गई है क्या, कब से खड़े हो? ये अम्मा तो हमेशा बड़बड़ करती रह गए है। तुझे तो मैं बुलाऊ से बाहर। अरे छोड़ ना, इस सठियाई हुई बुढ़िया का क्या सुन रही है तू? बुढ़िया सुन, उस चारपाई का एक पाया टूट गया है, सुतार को बुलाकर ठीक करवा लेना, और जल्दी करना, मुझे जरूरत है, समझी? तू मेरे मुंह मत लग। हे भगवान, एक और को पालना पड़ेगा शायद। अरे पाल ना, दिक्कत क्या है, और काम ही क्या है? कहा ना मेरे मुंह मत लग, नालायक कहीं का। मुंह मत लग, बुढ़िया को मिर्ची लगे है तो बड़ा मजा आ रहे है। अरे ये तो रोज की नौटंकी है, देख के दिल नहीं भरा क्या? क्या रे ससी, ये दोनों कौन है? मेरे दोस्त हैं, आपसे मिलने आए हैं, शहर से हैं। वैसे हम दोनों मणि के दोस्त हैं। अच्छा, अरे आओ। मेरा नाम बद्रीनाथ है, प्यार से लोग मुझे बद्री कहते हैं। और मेरा नाम है शिवा। वो आपसे कुछ काम है हमें। हाँ हाँ, कोई खास काम है? अपना मणि तो कितनी दूर गया है पढ़ने, मैं तो आज तक गांव के बाहर ही नहीं गया। बलराम भैया, मणि है फोन पर। मणि मामा, कैसा है रे? अरे यार क्या चल रहा है, मेरा फोन दे रहा। अरे एक मिनट रुकना यार, दे रहा हूँ। बेटा तेरे दो दोस्त आए हैं यहाँ पर। मैंने उन्हें भेजा है, उनमें से काला और मोटा है ना, वो मेरे साथ पढ़ता है। ओहो, ये कोयले की बोरी, तो इसे मुझसे मिलने क्यों भेज दिया? उन्हें आपसे एक मदद चाहिए, और सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकते हैं मामा जी। तो फटाफट बोल क्या करना है। यहाँ एक देसी दवाओं की फैक्ट्री है, गिरिराज फार्मेसी। वो जो शिवा है ना, उसके पिताजी दादा गिरिराज इस फैक्ट्री के मालिक है।
कैसा नाम है दादागिरी राज। यहाँ पर इन लोगों ने एक साइंटिस्ट की मदद से कैंसर रोकने की दवाई बनाई है। ओह, दवाई अच्छी है और असर भी करती है, मगर सारी चीजें एक साथ मिलाने के लिए इन्हें गांजा की जरूरत है। क्या, गांजा चाहिए? मामा जी धीरे बोलिए। ओह, अगर ये दवाई काम कर गई तो हर जगह बिकेगी और फिर उस कंपनी में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। दादागिरी राज ने मुझे प्रॉमिस भी किया है। मणि की खुशी के लिए ये बलराम कुछ भी कर सके है। और तुम लोग नहीं जानते, मणि की खुशी में ही महेश की खुशी है और महेश की खुशी में बलराम की खुशी है। इस घने जंगल में दवाइयों का खजाना पड़ा है, ऐसा यहाँ के मुखिया मुझे हमेशा बताते हैं। मगर गांजे से कैंसर रोकने का काम होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। संभल कर चलना, पाँव फिसल जाएगा। धीरे धीरे आ जा। मामा, 2 घंटे से चल रहे हैं इस घने जंगल में, अब तक नहीं पहुंचे, और कितना चलना है? अरे अभी तो बहुत आगे जाना है, चलते रहो। अरे भाई, ऐसे अचानक, ये लोग कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त लोग हैं, रैम्बो से बात करके कुछ दवाई लेनी है। अरे मेरे भाई, जानता है ना, अनजान लोगों को रैम्बो माल नहीं बेचता। हाँ जानता हूँ, मैंने कहा ना मेरे दोस्त है ये लोग। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, तुम्हारे दोस्त लोग हैं इसलिए, अभी बात करता हूँ। मैं कभी इंडिया के लोगों से बिजनेस नहीं करता, रिस्क है। मेरा ज्यादातर बिजनेस सिंगापुर से होता है, फिर वहाँ से यूरोप में होता है। मेरे चेले ने कहा इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। मगर माल सिर्फ एक बार मिलेगा। हाँ चलेगा, और उसमें भी 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। 2 हफ्ते का टाइम? अरे पत्ते तो तैयार है, बस काट कर सुखाना बाकी है। माल तुम्हें गांव में मिल जाएगा, उसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे जरा जल्दी चलो, अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना है। जितना टाइम आने में लगा उतना टाइम जाने में लगेगा ना। क्या मामा, मामा क्या हुआ? यहाँ तो पानी बहुत बढ़ गया है, अब हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अच्छा, जल्दी चलो। क्या कर रहे हो, चलो ना। चल जाओ, आप इतनी टेंशन में क्यों मामा? जिस रास्ते से हम जा रहे हैं आजकल वहाँ एक आदमखोर भाग घूम रहा है, अब तक 4 लोगों को मार चुका है। तुम्हें बताकर डराना नहीं चाहता था, पर अब जल्दी कदम बढ़ाओ। एक तो ये महज 2 दिन से गायब है, अगर वो साथ आता तो बात ही कुछ और थी। वैसे मामा, यहाँ तो बहुत सारे बाघ होंगे ना, महेश्वर को कैसे पता चलता है कि किस बाघ को मारना है? आप शहरी लोग जंगल के बारे में क्या जानो, हर बाघ का अपना एक इलाका होवे है जिसमें वो घूमे है, और एक बाघ के इलाके में दूसरा बाघ कभी ना जावे। जल्दी, पता नहीं हमें क्या क्या करना पड़ेगा। गांव पहुंचने का और कोई रास्ता ना है, अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना होगा, समझे? चलो। जरूरत नहीं, इस बाघ का काल आ गया है। योद्धा योद्धा ये है योद्धा, चल धरती अंबर ये है योद्धा, रहे ये कटा
ये है योद्धा। क्या बात है, आखिर तूने ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? गांव से खबर मिल गई मुझे, वाघ का शिकार करके आए हो ना तुम, मुझसे वादा किया था ना तुमने। क्या बकवास कर रही हो? रहने दो, बकवास तो जैसे मैं ही करूँ। उस बाघ को मार दिया ना तुमने। बाघ? अरे कौन सा बाघ? आए हाय हाय मेरे भोले भंडारी, मैं जानू हूँ कि बाघ को मार कर भी आदमी जेल जावे हैं। अरे ये सब क्यों सोचती रहती है तू, चल जरा। छोड़ो ऐसे बात को टालो मत, कहाँ थे तुम दो दिन से? अरे खेत में था, तुझे बताकर ही तो गया था ना। हाँ चक्की। अच्छी तरह पता है मुझे कि तुम कौन से खेत में गए थे। अगर यहाँ आए ना वो फॉरेस्ट वाले पूछताछ करने, तब देखना तुम मेरा असली रूप। अरे मेरी शेरनी, मैं जानता हूँ तुम्हारा असली रूप। एक बार अपना असली रूप दिखा देना मुझे, चक्की को कोई साथी तो मिल जाएगा। चलो हटो, बेशर्म कहीं के। बापू क्या माँ सच में शेरनी है? बहुत बड़ी शेरनी, ये इतनी बड़ी शेरनी है कि तेरा बापू इसके सामने चूहे जैसा हो जाता। बच्ची के सामने कुछ भी बकवास मत करो। तेरा बापू तो असली शेर है, शेर। अंदर जा। आइए आइए मुखिया जी, चक्की देखो बबीता आई है। जाके क्या बात है मुखिया जी, कैसे आना हुआ? गांव के सभी लोगों की नींद हराम हो चुकी है, अब तक वो बाघ चार लोगों को ले गया। तुझे आना ही होगा हमारी रक्षा करने, तेरे अलावा और कौन है? आप सब कोई चिंता मत करो, टनकपुर में वो बाघ कभी नहीं आएगा, किसी को नहीं मारेगा, ये महेश्वर का वचन है। बाघ आ भी गया तो हम तेरा नाम लेने के अलावा और के कर सके हैं बेटा? तू है तो भरोसा है, ऊपर वाले ने तुझे हमारा मसीहा बना के भेजा है। अरे क्या कह रहे हैं मुखिया जी, आप लोग जाइए, जब तक ये महेश्वर है जंगल का कोई भी बाघ गांव में नहीं आएगा, भरोसा रखिए। क्या कहा तुमने उनसे, जंगल का बाघ गांव में नहीं आएगा? और क्या, बस उन्हें भरोसा ही तो दे रहा था। पता है तुम क्या करने वाले हो, बस बहुत हो गया। अरे? चल चक्की, हम जिए या मरे तेरे बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं ना, एक तो भूख लगी है और तू लड़ रही है। कभी हमारे बारे में सोचा है? सिर्फ गांव वालों की पड़ी है, उनके लिए जान भी दे दोगे? कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा?